Hello students, welcome to the LES Lakshmi Education Society. My name is Rohit and today we're going to continue the concept of Access 4.3. I mean, I have taught you everything about the completion of square in the previous video. If you're watching this, first of all, if you're watching this video first, then I would recommend watch the previous video. You know, I have told many times that you should watch all the videos on this channel because every video is very important, and if you watch all the video in sequence, then definitely all your concept will get clear. ओके okay? अब आ जाते हैं अपनी देसी भाषा पे, अंग्रेजी बहुत झाड़ ली क्योंकि मेरा एम ये रहता है एकदम लास्ट बच्चे तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचे. ओके okay? चलो, वैसे मेरा पॉडकास्ट भी है, बताऊंगा उसका लिंक डाल दूंगा किसी दिन डिस्क्रिप्शन पे, वो सुन लेना. ज्यादा ही अंग्रेजी की बकैती करनी है तो तुम्हें पता नहीं यार, इंडिया में लोग इंग्लिश को लेके इतने वाई दे आर सो मच इनसिक्योर. भाई बोल लो, एज अ लैंग्वेज बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डोंट थिंक दैट इट इज अ स्टेटस सिंबल और समथिंग लाइक दैट, है ना. ये बहुत गलत बात है. चलो अब हम ये सीरियस और पॉलिटिकल बातें करेंगे, इस पर भी कभी करेंगे बातें, पर आज हमें टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है यार 4.3 के. तो जल्दी से मैं चाहता हूँ कि फटाफट चैप्टर खत्म हो, एक ही चैप्टर पे ज्यादा दिन रहना मेरे को बोरिंग हो जाता है. क्या बोल रहा था मैं, हाँ तो 4.3, तो प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था मैंने, मैंने आपको वो बताया था, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला. अब वो रिपीट नहीं करूंगा, बड़ी 30-35 मिनट की वीडियो, उसको देख लो एक दो बार, समझ आ जाएगा. ठीक है, एक चीज मैंने उसमें लास्ट क्वेश्चन आपको बताया था, ये वाला क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं. वो क्वेश्चन था ये, 4x² + 3x +5 = 0. क्वेश्चन मैंने करवाया था, और फिर इसका हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते करते, अभी बता नहीं रहा कर, चलिए यार बता ही देता हूँ, बता देता हूँ, बताऊँ क्या, नहीं आप बाद में देख लेना, वीडियो लंबी हो जाती है क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने. तो इसका मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते करते मैं यहाँ पहुंच गया था ऐसे, कि 2x + 3/4 ऐसे स्क्वायर बन गया था मेरा, और यहाँ हो गया था मेरा इज इक्वल टू -17/6. फिर एक मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई कभी भी मैथ्स में जो स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, और यहाँ पर दे रखी है स्क्वायर की वैल्यू बराबर नेगेटिव के दे रखी है, लेकिन मैथ्स में स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती. जैसे मैंने एग्जाम्पल से वहां भी समझाते हैं, दोबारा समझा देता हूँ. मान लो कोई चीज लिखी है x², और मैं कह रहा हूँ पुट x = -1, इसमें इसमें x की वैल्यू -1 पुट करो, तो देख लो -1 का होल स्क्वायर 1 आ गया, आ गया ना पॉजिटिव वैल्यू. तो चाहे आप -1 x की वैल्यू -1 भी डाल दो, लेकिन अगर स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी. तो मैथ्स में स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए जिंदगी भर के लिए डाल लो मैथ्स की. ठीक है चलो, इसको मैं साफ करता हूँ, ये तुम्हें कौन सा बता रहा था आपको, चल रहे हो ये. ठीक है, तो ये हो गया क्या, तो यहाँ तक हम पहुंच गए थे. फिर मैंने कहा था यार ये देखो, ये स्क्वायर की वैल्यू -71.71/6 हो गई, यानी नेगेटिव हो गई, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है मैथ्स में. तो फिर मैंने कहा था हम हमेशा रूट निकालते थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके, रूट मतलब वैल्यू निकालते थे एक्स की, और क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू आती थी. ठीक है, दो वैल्यू आती थी, तो दो वैल्यू जो हम निकालते थे तो मैं वो निकाल लेते थे. लेकिन इस केस में हम ये लिखेंगे क्योंकि मैथ्स की कंडीशन डिस्टर्ब हो गई, स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव दिखा रहा है, तो हम लिखेंगे दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट, नो रियल रूट्स मतलब इसके रूट्स नहीं आएंगे, रियल रूट नहीं आएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलो एक थोड़ी सी चीज और बताता हूँ आपको, जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो. रियल के लिए आएंगे तो क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे. इमेजिनरी अभी आप 10th में नहीं पढ़ोगे, आई थिंक 11th में इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आप 10th में पढ़ोगे. तो ये मैं कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वैसे. चलो मैं हटा ही देता हूँ, रियल रूट्स नहीं है मतलब इमेजिनरी आएंगे, छोड़ दो अभी, 10th के हो तो 10th के पढ़ो. ठीक है, तो ये हो गया, तो यानी इसके रूट नहीं निकलेंगे, ये आएगा इसका आंसर. तो अब हमने क्या किया, हमने इक्वेशन बनाई थी, उसके स्क्वायर स्क्वायर बनाया था, फिर हम इस वैल्यू तक पहुंचे थे, हमने देखा था नेगेटिव आ गया, तो ये तो हमारा काम बढ़ गया. भाई काम बढ़ गया ना, हमने पहले
उसका स्क्वायर बनाया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। हमने प्रीवियस वीडियो में सारे क्वेश्चन किए, फिर हम यहाँ देखा, तो कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे हम इक्वेशन में डायरेक्ट ही देख ले कि भाई क्या इसका रियल रूट बनेगा या नहीं बनेगा। तो उस तरीके को ही जानने के लिए है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? अब मैं क्या कर रहा हूं, ये अपनी यहाँ लाइन खींच देता हूँ। अब आते हैं अपने असली टॉपिक पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारी, पहले तो बताओ जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं इतनी बार लिख चुका हूँ कि अब तक याद हो जानी चाहिए आपको। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है, जैसे हम रूट्स निकालते थे ना, तो उसमें रूट्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमें ऐसे मतलब सॉल्व करके नहीं। वो है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये पूरे के अपॉन में टू ए। तो एक्स की क्वाड्रेटिक में दो वैल्यू निकलती है, तो ये दो वैल्यू है, एक प्लस में एक माइनस में, दिख रहा है ना, ये प्लस माइनस है। तो ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बेसिकली ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इससे हम एक्स की दो वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार यहाँ प्लस लगा के, यानी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है, और दूसरी वैल्यू एक्स की माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसका नाम है, तो मैंने अरो मार रखा ना, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, अब होता क्या है, अपना कंडीशन एक ये है कि ये ना बस हम ये चेक, मान लो हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें रूट डजेंट एग्जिस्ट, इस वाले में हमारा ये आ गया था ना कि रूट रियल रूट डजेंट एग्जिस्ट, मतलब रूट्स नहीं आए। क्यों? क्योंकि कंडीशन मैथ्स की कंडीशन डिस्टर्ब हो गई थी कि स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव कैसे आ गई। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि सिर्फ ये स्क्वायर रूट वाले ना, इसको आप चेक कर लिया करो। कैसे? मतलब कोई भी क्वेश्चन दे रखे, मान लो ये क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है, तो आप क्या करा करो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू चेक कर लिया करो। और ए बी सी तो आपको पता ही है ये इस इक्वेशन से, भाई इस अगर मान लो इस इक्वेशन को देखो, तो इसमें ए क्या है, ए फोर है, ये बी क्या है, ये थ्री, सी क्या है, ये फाइव। और ये कैसे पता चलता है हमें? इससे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में तो होते हैं। तो आप क्या करा करो, जब भी कोई इक्वेशन हो तो उसका आपको देखना है कि रूट आएंगे या नहीं आएंगे, तो आप चेक कर सकते हो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से, इसकी वैल्यू निकाल लिया करो। और अगर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो आ गई, यानी कि नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बस इतनी सी बात थी। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन हमारे सामने आता, अब आता हमारे सामने आता जब हमें ये फॉर्मूला पता है और हमें पता है ये चेक करना रियल रूट की कंडीशन है, और ये तो रूट डायरेक्ट रूट निकालने का तरीका है, ये सिर्फ चेक करने का है। ये तो दोनों रूट भी निकाल सकते हो ना, एक्स के दो रूट जो एक्स की वैल्यू निकलती है उससे डायरेक्ट भी निकल सकती है, पॉइंट टू है और ये भी, लेकिन सिर्फ चेक करने के लिए इतना काफी है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी चेक कर लो। अब जैसे इस क्वेश्चन में मैं चेक करता हूँ येलो कलर से, इसमें हमें पहले कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर किया ये सब किया, इसके बजाय हम डायरेक्ट चेक कर सकते थे। तो मैं देखो चेक कर रहा हूँ, बी की वैल्यू थ्री है, तो बी स्क्वायर नाइन हो गया, माइनस, बस ये फॉर्मूले में डाल रहा हूँ ए बी सी की वैल्यू, माइनस फोर, ए की वैल्यू फोर है, फोर, सी की वैल्यू फाइव है। अभी मैं चेक कर रहा हूँ, नाइन माइनस कितना हो गया, फोर फोर जाए सिक्सटीन, सिक्सटीन फाइव जाए एट्टी, यानी कि कितना आया, नाइन 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 माइनस एट्टी कितना होता है, माइनस सेवेंटी वन। और ये जो माइनस सेवेंटी वन है, ये तो लेस देन जीरो आ गया, लेस देन जीरो आ गया ना, माइनस सेवेंटी वन नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब हम यहीं बस यहीं इसी क्वेश्चन में हम ऊपर ही देख लेते और कह देते कि रियल रूट, रियल रूट डोंट एग्जिस्ट। समझ आ रही बात, हम यही कह देते। तो बेसिकली ये चेक करने का भी आपका तरीका है। तो अब आपके क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का तो ये तो है, ये तो पूरा फॉर्मूला हो गया पूरा का पूरा, लेकिन सिर्फ चेक करने के लिए बी स्क्वायर माइनस फोर सी, तो ये दोनों चीजें आपको याद करनी है। इसको फॉर्मूला बोल लो या कॉन्सेप्ट बोल लो, वो आपकी श्रद्धा अनुसार है, लेकिन याद होना चाहिए आपको कैसे भी करके। ठीक है, तो अब देखो, अब मुझे पहले तो एक चीज बताओ, मैं आगे बढ़ूंगा लेकिन उससे पीछे
उससे पहले मैं आपका रिवाइज करवा रहा हूँ, छोटा सा 2 मिनट का रिवाइज, 2 मिनट का रिवाइज। बताओ हमने अभी तक कितने तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीख ली? पहला तरीका वो जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला, याद है ना, फैक्टर करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, उससे भी तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके एक्स की दो वैल्यू निकालते थे, वो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका कौन सा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, दूसरा तरीका हो गया। दो तरीके हो गए भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व भी हो रही है बस इस चैप्टर में, और कुछ नहीं हो रहा। तो पहला तरीका हमने देखा जो हमने 4.2 में यूज किया, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला। तीसरा तरीका जो अभी हम करेंगे, जिस पे क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट तो सीख लिया प्रीवियस वीडियो में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तीसरा तरीका जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, रूट निकालने का, वही है। यहाँ से भी तो एक्स की वैल्यू आती है, तो ये इसको, इस तीसरे तरीके को क्या बोलेंगे हम? ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो तीसरा तरीका ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इससे हम निकाल लेंगे एक्स की दोनों वैल्यूज। तो ये तीन तरीकों से हमने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, या फिर ये बोल लो इन तीन तरीके से हमने एक्स की दोनों वैल्यूज निकाल लिया। ये समझ आ गई बात? और हमें ये भी पता चला कि कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते करते इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है जहाँ पर रूट हम नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि मैथ्स का जो बेसिक रूल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको चेक करने के लिए भी ये फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac <0। आई होप सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया होगा। नहीं क्लियर किया तो ये वीडियो को पीछे जाके दोबारा सुनो, मैंने एक एक वर्ड क्लियरली बोला, आपको अच्छे से समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो तीन तरीके हमने सीखे हैं अब तक, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक बार और लिख दूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, देखो लंबा सा है, थोड़ा सा दिखने में डरावना है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का अपॉन 2a। ये है हमारा तीसरा तरीका, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला, ये तीसरा तरीका। अब ये मत कहना ये एक्स की दो वैल्यू का निकाल रहे, तो एक ही है भाई, ये दो वैल्यू है, एक बार प्लस लगाओ एक बार माइनस लगाओ। ठीक है, एक बार एक्स की वैल्यू आप माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a से, एक बार माइनस। ठीक है, बहुत बार रिपीट कर दिया इतने स्लोली, आई थिंक पूरे इंटरनेट पर किसी ने नहीं पढ़ाया होगा तुम्हें। ठीक है, हो गया। आप ये अब थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल, फिर नेक्स्ट वीडियो में उड़ाएंगे 4.3 के सवाल दबा दब। चलो देखो ये अब कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ होगा आपके सामने, क्या लिखा हुआ है ये, फाइंड द रूट्स, वही एक्स की वैल्यू, रूट्स बोलते हैं, दो वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो वैल्यू आएगी ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, ये वर्ड पे ध्यान दो, इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मतलब इस वाले तरीके से फाइंड करना है। तीन तरीके सीखे ना, ये वाला यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इफ दे एग्जिस्ट के लिए क्या है, मतलब चेक करना कि भाई रूट्स देगा कि नहीं देगा। तो उसके लिए क्या बताया था मैंने आपको, कैसे चेक करते हैं ये, ऐसे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर कुछ देख लेते हैं, अगर नेगेटिव आ गया तो नहीं होगा, मतलब नहीं आएगा। अगर लेस देन 0 हो गया यानी नेगेटिव हो गया तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन को चेक कर लो, अगर लेस देन 0 नहीं है, मतलब नेगेटिव नहीं है, तो मतलब रूट्स आएंगे, और उसके बाद आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के रूट निकाल दो। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, चलो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख लेते हैं, ये 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 निकालो। तो पहले इफ द एग्जिस्ट यानी चेक कर लेते हैं हम। तो चेक करने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें ए बी सी क्या है बताओ जल्दी, मैं यहाँ ब्लू से लिख रहा हूँ। ए क्या है बोलो, ए क्या है, ये 3 है। बी क्या है, माइनस 5। सी क्या है, 2। ये समझ आ रहा है ए बी सी कैसे ले रहा हूँ मैं यार, अगर अब भी समझ नहीं आया ना गुस्सा दिला दोगे तुम। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 ये हमेशा लिखता हूँ मैं जान पूछ के, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जनरल फॉर्म उसी से ऐसे बना के और देख ले, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में तो है, तो ये 3 बी माइनस 5 और सी 2। तो ये भी सी पता है मैं, तो हम इफ द एग्जिस्ट वाला पार्ट यानी चेक कर रहे हैं कि भाई रूट निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी में डाल के देखते हैं। तो बी स्क्वायर यानी कि बस ये इस वैल्यू में डाल रहा हूँ, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4
ए यानी कि 3, सी यानी कि 2। अब इसको सॉल्व करो, 5 - 5 का स्क्वायर 25, -4 3 12, और 12 2 24, 25 - 24 कितना होता है, 1 आ गया। तो 1 तो नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब रूट निकलेंगे, बस रूट एक ही कंडीशन में नहीं निकलते जब नेगेटिव आ जाए b² - 4ac। बताया था ना मैंने आपको, b² - 4ac जब लेस देन 0 आ जाए यानी कि नेगेटिव आ जाए तभी हम कह सकते हैं कि रूट नहीं निकलेंगे भाई। लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव आ गया तो यानी रूट निकलेंगे। अब बस रूट निकाल दो अपने फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या बताया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये लंबा सा है ना ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इससे निकाल दो रूट यानी एक्स की दो वैल्यू निकाल दो इससे। थोड़ा लंबा सा है, याद कर लेना है इसको, तो मैं निकाल रहा हूँ बस वाइट कलर से। एक्स इज इक्वल टू -b ± अंडर रूट b² - 4ac पूरे के अपॉन में 2 है। बस वैल्यू में पुट करने का खेल है, तो ABC तो आपको पता ही है, करो वैल्यू पुट, यहाँ कर रहा हूँ। तो -b यानी कि -(-5), क्योंकि b -5 है ना, +-, ये +-, इसलिए दो वैल्यू चलती है ना एक्स की, तो एक बार प्लस, तो एक ही बार हम कर लेते हैं। b² - 4ac की वैल्यू तो अंडर रूट में हमने ऑलरेडी निकाल रखी है जब हम चेक कर रहे थे, तो 1 / 2a, तो 2a 2 और a अपना है वैल्यू 3। तो ये क्या आया, नीचे लिख रहा हूँ इसको सॉल्व करें, क्या आया, यहाँ नीचे लिख दूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ। तो x की वैल्यू आई, ये -- कट गया, 5, मतलब कट गया मतलब मल्टीप्लाई में -- प्लस हो जाता है, 5 + - अंडर रूट 1 / 2 × 3 = 6। तो x की दो वैल्यू कौन सी आई, पहली आई, एक बार प्लस ले लो बीच वाला, 5 + अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1, 1 ही होता है तो 1 ही हो गया, तो 5 + 1 / 6, और दूसरी वैल्यू है नीचे वाला माइनस लूंगा, 5 - 1/6, तो दो वैल्यू आ गई, सॉल्व कर लो इनको। तो x की वैल्यू 5 + 1 = 6/6 यानी कि 1 आ गई, और दूसरे केस में 5 - 1 = 4/6 आ गई यानी 2/3। तो x की दो वैल्यू आ गई हमारी 1 and 2/3, वही आंसर का, यही है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद आप ऑलरेडी पूरे प्रिपेयर हो एक्सरसाइज करने के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर पता नहीं कौन सा है, जो भी एग्जाम्पल, ठीक है, x² + 4x + 5 = 0। एक सेकंड यार, पानी पी लूँ, गला सा सूख गया मेरा। x² + 4x + 5 = 0 लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में 4.3 के क्वेश्चन उड़ा दोगे आप सब, वही है क्वेश्चन, तो वही है ये वाला कि फाइंड द रूट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इफ दे एग्जिस्ट, मतलब अगर एग्जिस्ट करेगा तो। पहले इफ दे एग्जिस्ट वाली कंडीशन हम चेक कर लेंगे, b² - 4ac वाली, ठीक है। तो इसमें पहले तो ABC लिख लो, ए आपका 1 है, बी आपका 4 है, सी आपका 5 है, ABC दोबारा लिख देता हूँ, ये जनरल फॉर्म है 4 to 0। तो हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि भाई रूट निकलेंगे नहीं निकलेंगे, तो b² - 4ac ये फॉर्मूला होता है कंडीशन चेक करने का। तो डाल के देखो, b² = 4² - 4, a यानी कि 1, c यानी कि 5, तो 4² = 16 - 20 यानी कि -4। ओ ओ, नेगेटिव आ गई वैल्यू, यानी जो b² - 4ac है ये <0 आ गया, तो वो हमें सॉल्व नहीं कर सकते, हम एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसका मतलब हमारा क्या लिखेंगे आंसर, रियल रूट क्या लिखेंगे हम, कि रियल रूट देर आर नो रियल रूट्स
of this equation. तो इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है, तो हमने यही चेक कर लिया। ये है चेकिंग का फॉर्मूला, ठीक है, माइनस आ गया ना, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन है बस, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, एंजॉय करो, सॉल्व करो। 4.3 में वर्ड प्रॉब्लम भी है, वही कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक बनाओ, क्वाड्रेटिक से सॉल्व करो, खत्म। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।